with the next card, and I'll just share the picture for those who don't have the card, तो वो उससे relate कर पाएंगे. That is initiation and Count Saint Germain. अब यहाँ पे कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आप लोगों के लिए नए होंगे, बिकॉज सेंट जर्मन कौन है, उनसे रिलेटेड हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इस कार्ड से, और ये कार्ड एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है इसे समझने के लिए इट्स गुड इफ वी अंडरस्टैंड कि ये है कौन और इनका क्या रिलेशन है किसी रीडिंग से लेकर. देखिए आपको मैं पिक्चर भेज रही हूँ, फर्स्ट हैव अ लुक एट द पिक्चर एंड देन वील गो इन टू द डेप्थ ऑफ द डिस्क्रिप्शन. राइट, आई हैव सेंड द पिक्चर. सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चार लोग जो हैं वो नीचे खड़े, और सामने आप देखेंगे थोड़ी ऊंचाई पे खंभों के बीचों बीच देयर इज एन एनलाइटेंड फिगर स्टैंडिंग. अब ये एनलाइटेंड फिगर कौन है? ये असेंडेड मास्टर है काउंट सेंट जर्मेन, जो अपनी लाइट और एनर्जी भेज रहे हैं उन लोगों को जो उनके सामने खड़े हैं. क्यों? क्योंकि उनका टाइम है इनिशिएशन का, मतलब उनका टाइम है वो चीजों को एक्सेप्ट करने का, उसके हिसाब से एक नए जीवन को शुरू करने का. अब ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड है कि आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आ गया है. Where it is time for you also to initiate something. और ये हम सबकी लाइफ में ऐसा एक फेज आता है जहां पे जो हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते उसे इनिशिएट करने का मौका आता है. तो इट इज अ कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स के अब चीजें बदलने वाली है. अब आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं. ये एक ऐसा मोमेंट है या एक ऐसी आप ये कहें शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी है जो आपके पावर्स और आपकी इनसाइट्स और आपके अचीवमेंट्स के द्वार खोल देता है. हम लोग कुछ इनबिल्ट पावर्स के साथ इस पृथ्वी पे आते हैं. वो पावर्स क्या है इसकी समझ हमें तब तक नहीं होती जब तक सही मौका नहीं आता, और जब हमें इसका एहसास होता है तो वो टाइम होता है इनिशिएशन का, जब यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से हमें हिंट देता है. हिंट देने के बहुत सारे तरीके हैं. हमारे असेंडेड मास्टर्स कौन होते हैं? हमारे असेंडेड मास्टर्स हमारी सोल जर्नी में कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड थे, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, और उनका काम क्या था? वो हमसे जुड़े हुए थे, हमारे मार्गदर्शक थे. अगर वो आपको किसी ना किसी तरीके की गाइडेंस देते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं जो आप उस समय नहीं समझ पा रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आगे भी आपको गाइड करेंगे. दे आर योर असेंडेड मास्टर्स. और सही समय कौन सा है? सही समय तभी है जब इस चीज का एहसास होता है कि कुछ नया होने वाला है या कुछ नया हो रहा है. नया कैसे हो सकता है? देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है. अभी तक सपोज आप कुछ और प्रैक्टिस कर रहे थे, कार्मिकली हो सकता है आप कुछ और कर रहे हो, और अचानक से आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में आ गया. सो दैट वॉज द इनिशिएशन दैट वॉज गिवन टू यू बाय द यूनिवर्स. अब ये कैसे दिया? या तो आपको टफ टाइम्स दिखा के दिया, या फिर कैसे दूसरा तरीका क्या है देने का? दूसरा तरीका है कि आपको किसी ने प्रेरित किया या आप किसी से अट्रैक्ट हुए. तो ये सब क्या है? असेंडेड मास्टर्स आपको अलग अलग हिंट्स देते हैं कि ये आपका पर्पस है, ये आपका रास्ता है. अब इसमें क्या होता है? देखिए ये कोर्स आसान नहीं होता है. ये जो शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, इस शिफ्ट में क्या होगा? इस शिफ्ट में लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी अपने आप चली जाएगी. आपको थोड़ा सा इनडेप्थ समझाती हूँ लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी की बात जब मैं कर रही हूँ, तो लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी
हर तरीके से जाती है, जैसे आपके इन टर्म्स ऑफ द फूड यू ईट विल ऑल्सो चेंज। थोड़े समय बाद क्या होगा, आप जितना इन डेप्थ जाते जाएंगे इस चीज में, आपके टेस्ट अचानक से इतने ज्यादा बदल जाएंगे कि आप पहले किसी चीज को कंज्यूम कर लेते थे और अब आप नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई यूज टू प्रेफर कोल्ड ड्रिंक, जो इसमें थम्सअप या ब्लैक जो भी आता है वो अच्छा लगता था, कार्बोनेटेड है, नोइंग दैट इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, लेकिन ये होता था वंस इन अ वाइल, क्या बुराई है। सो कहीं जर्नी पे जाना है, कुछ ट्रिप है, तो एक बॉटल ले लिया कि ठीक है, फॉर अ चेंज इट इज गुड। लेकिन वो धीरे धीरे जब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलते हैं तो वो इस लेवल तक बदल जाते हैं दैट नाउ आई डोंट लाइक टू ड्रिंक, अब मैं नहीं पी पाती हूँ, आई के नॉट कंज्यूम इट। मैम आपकी वॉइस बहुत कटती है। हाँ एम आई ऑडिबल? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट वही चेंज द सिग्नल की नेट प्रॉब्लम। कनेक्शन। हाँ जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट चेंज द कनेक्शन। ओके नाउ इज इट ऑडिबल? नाउ एम आई क्लियर? ओके मैम, ओके सो व्हाट हैपेंस इज, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कैसे बदलते हैं, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट, कि पहले जैसे मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले लेती थी, तो एक समय के बाद क्या हुआ, व्हेन आई वाज टू मच इनटू मेडिटेशन एंड हीलिंग, अपने आप ये चीजें छूटती गई। आई डेवलप्ड अ डिसलाइकिंग फॉर दीज थिंग्स, आई डेवलप्ड अ डिसलाइक, या आप ये कह लीजिए पहले जो क्रेविंग होती थी वो अब नहीं हो रही। तो अभी क्या होता है, अभी व्हाट आई नीड इज, आई नीड सिंपल फूड, आई कैन नॉट ईट स्पाइसी। और सिंपल में भी मेरी प्रेफरेंस क्या रहती है, आई वॉन्ट टू हैव समथिंग दैट इज फ्रेशली, यू कैन से कट एंड ऑल, लाइक सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसकी तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है रादर देन कुक्ड। सो व्हाट इज हैपनिंग इज धीरे धीरे करके ना चेंज होती जा रही है चीजें और वो अपने आप हो रही है। दिस इज समथिंग, अ कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स, एक इनिशिएशन है जो आपके अंदर इस समय हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, ये जितनी भी क्रेविंग्स होती है, ये जितनी भी चीजें होती है, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा मिला होता है जो आपको इसके एडिक्टिव बना देता है। तो अगर हम खुद ही उस एडिक्शन पैटर्न में फंस जाएंगे तो हम किसी के लिए हीलिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो दैट वॉज अ कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू नीड टू क्लेंज योर सेल्फ बिफोर यू क्लेंज अदर्स। सो दैट इज द रीजन दोज थिंग्स वर फॉरगॉन। तो इसी तरह से क्या होता है कि यू बिकम चूजी अबाउट सर्टन थिंग्स। हो सकता है आप कुछ कलर्स को लेके चूजी हो जाओ, हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक कलर आपकी वार्डरोब में ज्यादा आ जाए ऑटोमेटिकली, लेने वाले भी आप ही होंगे, बेशक आप सोच के जाओगे आई हैव टू मच ऑफ ग्रीन, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू बाय ग्रीन, एंड देन यू विल टू सी दैट यू अगेन शॉप्ड इन ग्रीन। तो दिस बिकम्स अ पैटर्न वेर इन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ यूनिवर्स आपको हिंट दे रहा है कि अब ये इनिशिएशन कॉल थी जो स्टार्ट हो चुकी है, आपके जीवन में ये स्टार्ट हो गया है, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। अब इसमें सिर्फ टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज नहीं आएगा, इसके साथ साथ रिलेशनशिप और जॉब में भी आएगा। रिलेशनशिप और जॉब में कैसे आएगा, देखिए वो लोग जो आपसे जुड़े हुए थे सिर्फ आपके किसी एडिक्टिव पैटर्न की वजह से या किसी और मतलब की वजह से, वो दूर हो जाएंगे क्योंकि उनकी टॉक्सिटी आपकी ऑरा हैंडल नहीं कर पाएगी, या आपकी ऑरा में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि वो आपसे दूर अपने आप होने लग जाएंगी। सो देयर विल बी सर्टन रिलेशंस जो दूर हो जाएंगे आपसे।
एंड इट इज ओके विथ, लाइक इट डजंट मीन कि कुछ हर्टफुल होगा, बस ये होगा कि आप ऑटोमेटिकली उन चीजों में ऑक्यूपाइड हो जाओगे जो ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये चीजें फिर प्रायोरिटी से हटके सेकेंड लिस्ट में आ जाएंगी, इतना होगा। फिर जॉब में कैसे चेंज हो सकता है, जॉब में चेंज हो सकता है बिकॉज देर आर मेनी पीपल हुम आई नो पर्सनली जो पहले कुछ और प्रैक्टिस कर रहे थे और आज वो कंप्लीटली ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहे। सो इट इज लाइक वन ऑफ माई क्लासमेट, ही वॉज वर्किंग इन टू फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल एनालिस्ट था वो, आज वो एक बहुत अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो सिमिलरली इवन माई प्रोफेशन वॉज डिफरेंट, आई वॉज कंप्लीटली इन टू टीचिंग, सो टीचिंग से हटके पहले फाइनेंशियल सेक्टर में, फिर टीचिंग से अभी कंप्लीटली इन टू अकल्ट। सो देर विल बी चेंजेस कमिंग इन, सो यू शुड बी रेडी एंड ओपन टू एक्सेप्ट दोस चेंजेस, क्योंकि आप जितना रिसेप्टिव होगे उतना जल्दी एनर्जीज आपको इवॉल्व करती हैं अपने आप में। सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। फिर आपकी इनिशिएशन कैसे हो सकती है, आपकी इनिशिएशन मेडिटेशन से हो सकती है, स्टडी से हो सकती है। मेडिटेशन से कैसे हो सकती है, क्योंकि मेडिटेशन आपको आपके हायर सेल्फ से मिलवा देता है, और दूसरी चीज किससे मिलवाता है, दूसरी चीज आपके असेंडेड मास्टर से कनेक्ट करवाता है, जिनके साथ आप सेंचुरीज से हैं, मतलब आप पता नहीं कितनी लाइफ उनके साथ थे। तो ये आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे पर्पस थे या कुछ ऐसे एक्टिविटीज थे जो आपने और आपके एसेंडेड मास्टर्स ने साथ में किए। तो अब अगर आप इस चीज को क्लियरली नहीं समझ पा रहे, तो ये मान लीजिए कि वो आपको हिंट्स दे रहे हैं जिससे कि आप समझ पाए। सो स्टार्ट मेडिटेटिंग। अब जो चेंजेस आएंगे वो क्या होगा कि मास्टर्स धीरे धीरे करके ह्यूमन वर्ल्ड के इस कोने में आपको चीजें दिखाएंगे, आप धीरे धीरे अपलिफ्ट होंगे, आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट होंगी। क्योंकि देखिए जब आप मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो फर्स्ट कुछ सेशंस में सिर्फ जो लोअर एनर्जीज हैं आप उन्हें ही हटाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपको चीजों का एहसास होने लगता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग एनर्जीज, फिर एक टाइम आता है आपको विजन्स आते हैं, आपको चीजें सुनाई देती है या दिखाई देती है। सो दिस इज, जितना आप इवॉल्व होते जाएंगे इन एनर्जीज में उतना ही एनर्जीज आपको हेल्प करती है। फिर जो पावर आपके अंदर है वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगी, और आपके साथ साथ आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो इसे फील कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है। अब अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स में आने से द टाइम ऑफ योर इनिशिएशन हैज बीन अपॉन यू, जो इनिशिएशन का टाइम था वो आप ही के ऊपर था, लेकिन आप पुराने तरीकों को पकड़ के बैठे हैं और आप रेजिस्टेंट हैं, आप शायद डरते हैं या किसी चीज से आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि ये चेंज पता नहीं आप स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। तो पुरानी चीजों को या पुराने रिलेशनशिप्स को होल्ड करना क्या करेगा कि आपको आपके इनिशिएशन कॉल से दूर ले जाएगा, आपके लाइफ पर्पस से दूर ले जाएगा। देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे एक नोन में है, उनका जो इनिशिएशन था, जैसे उनके नंबर्स भी मैंने देखे थे तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नंबर्स थे उनके। अब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नंबर्स में हुआ क्या कि उन्हें जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल रही थी, जैसे उन्हें यूनिवर्स से मैसेजेस मिलने चाहिए थे, और उसका सिर्फ एक रीजन था, जो उनका पेयर ग्रुप था, जो उनका फ्रेंड सर्कल था, दैट वाज सराउंडेड बाय टॉक्सिक पीपल एंड दे यूज्ड टू इंडल्ज अ लॉट इन अल्कोहल एंड ऑल। सो व्हाट आई टोल्ड दैट फेलो, आई जस्ट आस्क्ड हिम, आई सेड कि आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ टाइम के लिए ना स्टॉप ड्रिंकिंग, इवन इफ यू आर देयर इन देयर कंपनी डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल,
उन्होंने बात मानी, उन्होंने फर्स्ट 6 months ही ट्राइड, ही गेव अप एल्कोहल। उससे हुआ क्या कि एक दो बारी तो हुआ कि उनके फ्रेंड्स ने उन्हें अपने ग्रुप में बैठाया साथ में, लेकिन उन्होंने ड्रिंक नहीं किया, पार्टिसिपेट उतना नहीं किया, तो दूसरी तीसरी बार के बाद उनके पास कॉल्स आना बंद हो। दोस फ्रेंड्स दे स्टॉप्ड इनवाइटिंग, नॉट इवन फॉर अ कप ऑफ टी डिड दे इनवाइट हिम। और ये चलता रहा, देन जैसे तैसे करके अप टू 6 months ही डिड दैट, बट देन ही वॉज सो रेजिस्टेंट एंड ही वॉज सो रिलक्टेंट टू लूज हिज फ्रेंड्स एंड हिज पेयर ग्रुप दैट ही एंडेड अप इंडल्जिंग इन इट जस्ट फॉर द सेक के मेरे फ्रेंड्स दूर हो जाएंगे, ही इंडल्ज्ड इन इट। तो उससे हुआ क्या, इज इट हिज लॉस? यस ऑफ कोर्स इट इज हिज लॉस। व्हाई? बिकॉज दिस वॉज अ यूनिवर्स गिविंग हिम अ कॉल कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो गया है, उन्हें मैसेजेस मिल रहे थे। अब मैसेजेस जब मिल रहे हैं और आप उसे इग्नोर कर रहे हो, या आप कैसे भी करके कुछ ऐसा कर लेते हो जैसे इन्होंने किया, अपने पेयर ग्रुप को खो देने के डर से इन्होंने फटाफट क्या किया कि इन्होंने नहीं भैया आई विल ज्वाइन इन, कोई बात नहीं, एंड देन ही बिगैन इन विद लिटिल, लेकिन वो लिटिल होती कहाँ है, वो तो धीरे धीरे करके बढ़ गया। सो दीज आर द थिंग्स दैट विल कीप यू फ्रॉम मूविंग अहेड। अगर आप खुद से इतना स्ट्रांग हो पाते हो कि आप इन चीजों को गिव अप करने के लिए तैयार हो, देन इट वर्क्स वंडर्स, क्योंकि फिर तो यू आर एबल टू लिसन टू दिस यूनिवर्स कॉल। और यही चीज आपको ये रिवर्स कार्ड बताता है कि लोअर एनर्जी के लोग अगर आपको नीचे की तरफ खींचते हैं और आपकी एवोल्यूशन एनर्जी हाई है तो यू कैन मूव अहेड, नहीं तो आप वहां पे बैठ जाते हैं और उस चेंज को आप फिर स्वीकार नहीं कर पाते। इस केस में आपको क्या करना चाहिए, अपनी आंखें बंद करके अपने पाथ को चुनना है, तो अपनी आंखें बंद करके फोकस करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए और सेंट जर्मेन, देखिए इनका क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है तो इन्होंने सेंट जर्मेन को इन्वोक करने के लिए बोला है। आप चाहें तो आप किसी को भी इन्वोक कर सकते हैं, जैसे आई फाइंड माई सेल्फ कनेक्टेड विथ माँ दुर्गा, आई फाइंड माई सेल्फ कनेक्टेड विथ हर, सो वेन एवर इन एनी काइंड ऑफ डिलेमा और एनीथिंग, तो मैं बस आंखें बंद करके सिर्फ ये विजुअलाइज करती हूँ कि वो मेरे आसपास, जो भी वेंट आउट करना है, जो भी कुछ बोलना है, वो भी आई एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ हर, क्योंकि वहां जाके मुझे लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू ग्रो इन अ ग्रेट वे, क्योंकि आपके शब्द किस तरीके से मैनिपुलेट होके कहाँ चले जाए, आपकी फीलिंग्स कितनी प्योर है, कैसी है और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाए, तो दैट इज अनदर थिंग। तो विदाउट हिंड्रेंस आप इजिली इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उस एनर्जी को रिसेप्टिव मोड में आप एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप उसे एंजॉय कर पाए और उस एनर्जी से आप अपने लाइफ पर्पस को आइडेंटिफाई कर पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी लोग इस अज्ञानता में छोड़ देते हैं, दे आर नॉट एबल टू इवन आइडेंटिफाई कि उनका लाइफ पर्पस है क्या। सो दैट इज अबाउट दिस कार्ड। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कार्ड बाय द टाइम आई सेंड द इमेज ऑफ द नेक्स्ट कार्ड?